नमस्कार, मैं राजकुमार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। इस समय हम ओल्ड बस स्टैंड के थोड़ा सा नीचे जो है मौजूद हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि इस तरफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा जो है हुआ करता था, इसके बाद शिफ्ट हुआ यहाँ से। यहाँ पर जो है पुलिस स्टेशन की चौकी है यहाँ पर, और साथ ही में नीचे की तरफ आएंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है और बहुत सारे डॉक्टर लोग जो हैं वो यहाँ पर सनशाइन में बैठते भी हैं। इतने होने के बावजूद भी पढ़े पढ़े लिखे विद्वान लोग जो हैं यहाँ से गुज़रते भी हैं, लेकिन किसी को भी इस तरफ ख्याल नहीं आता। या हम बात करें म्युनिसिपल कमेटी डोडा की, ठीक है, कहीं जगहों पर बहुत अच्छा काम भी करती है, हम अप्रिशिएट भी करते हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे से इस जगह की तरफ, कैमरामैन से कहूँगा कैमरा घुमाएं और देखें, ये हमारा ओल्ड बस स्टैंड का मेन एरिया है। अगली तरफ आपको स्टेट बैंक देखने को मिलेगा, इस तरफ जो है हम अगर देखेंगे तो जीएमसी हॉस्पिटल, प्रिंसिपल जो है जीएमसी के यहाँ पर बैठते हैं। लेकिन आप अगर आप इस तरफ नज़रें घुमाएंगे, यहाँ पर क्या बताएं आपको, इतनी इतनी मुश्क है कि मुझे पहले मास्क पहनना पड़ेगा, बदबू से मुझे चक्कर भी आ सकता है। और देखिए पूरी हालात इस तरफ देखें, हम अगर इन नालियों की बात करें, देखिए किस तरह से जो है ऐसे ही अभी तक खुले छोड़े हुई है। सफाई वाले आते हैं, अपनी सफाई करके वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हम देखें अगर तो जब भी पानी यहाँ से ऊपर से आता है, नालियों से बाहर हो जाता होगा यहाँ पर। आप यहाँ पर देखें कितना गीलापन है, इतनी कीचड़ है, इतनी बीमारियाँ जो बनने के चांसेस हैं वो यहाँ से बहुत ज़्यादा। देखिए आप मुर्गे के पंख यहाँ पर पड़े होंगे, गिलास, इंजेक्शंस, ये सारा कचरा जो है यहाँ पर लगा हुआ है। आप इस तरफ नज़रें घुमाएंगे, ये देखिए कोर्टसी म्युनिसिपल कमेटी डोडा की तरफ से यहाँ पर जो है लगाया हुआ है। एक हाथ में बच्चे के सेब है, एक तरफ जो है बॉटल है, ये इसमें डालिए, ये इसमें डालिए, बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप इस तरफ नज़रें घुमाएंगे और इस तरफ देखिए, यहाँ पर जो है दो डस्टबिन लगे हुए हैं, एक नज़र नहीं आ रहा है और एक ही जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो ग्रीन वाला है, रेड वाला जो है यहाँ पर मिसिंग है। और हम अगर बात करें तो फिर से और खबर जो है ये भी आ रही है कि कोविड की जो है थर्ड वेव वो भी आ सकती है, वो आ रही है, बहुत सारे देश बाहर ऐसे हैं जहाँ पर फैल रहा है। इसके अलावा अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले बीते कुछ दिनों से जो केसेज डेंगू के जो है वो बहुत ज़्यादा जो हमें देखने को मिल रहे हैं, लोग जो है दिन ब दिन डेंगू के भी शिकार हो रहे हैं। कोविड की बात करें तो एक आध केस जो है आज भी हर डिस्ट्रिक्ट में जो है जम्मू कश्मीर के आ रहा है, और ये सारी बीमारियां बनने का जड़ जो है, अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स भी हमें यही सलाह देते हैं कि नहाया करें, हाथ धोया करें, मुंह धोया, गंदगी के करीब ना जाया करें। लेकिन ये इस समय जो है बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर जो है गंद आप यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगी। इस तरफ हेल्थ मिशन का वो लिखा हुआ है, इस तरफ म्युनिसिपल कमेटी ने जो है अपना वो लगाया हुआ है प्रचार करने के लिए कि हम जो है क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया जो है बनाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरफ देखेंगे कितनी बीमारियां यहां से बनती है। आगे जो है फड़ी वाले बैठे होते हैं, रेडी वाले यहां पर जो है आगे बैठे होते हैं, वो अपना बिजनेस जो है यहां पर करते हैं, दिहाड़ी जो है अपनी वो दिहाड़ी यहां पर वो लोग लगाते हैं। लेकिन यहां पर जो मुश्क इतनी फैली हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग यहाँ से आते होंगे, यहाँ पर इतनी मुश्क है कि वो यहाँ से निकल जाते होंगे, ये बेचारे जो है अपनी दिहाड़ी नहीं कमा पा रहे होंगे। यहाँ पर जो है लोग जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है खड़े नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि कल के दिन में मैंने यहाँ पर देखा था तो बहुत गंदगी जो है वो यहाँ पर भरी हुई थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं इसे जो है साफ़ करके यहाँ पर निकाला गया है। लेकिन इतनी मेहरबानी की है कि इस जगह से हटाकर यहाँ तक डाला गया है। अब इसके का प्रोसेस जो है, इसका प्रोसेस जो है वो आगे चलेगा, वो कल या परसों जो है किसी और रोज़ जो है यहाँ से गंदगी उठा दी जाएगी, लेकिन उसी वक्त नहीं उठाया गया यहाँ पर। क्या बताएं आपको, और ये जो काम है, और मैन चौक पे मैं मौजूद हूँ। अगर आप इस तरफ से, मैंने आपको कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक जो है ऊपर है, स्टेट बैंक नीचे, इस तरह डॉक्टर्स जो हैं इस तरफ बैठते हैं, यहाँ पर जीएमसी का वो, और यहाँ पर ये हालात है कि किसी की नज़रें जो हैं इस तरफ नहीं पड़ती। हम बात करें म्युनिसिपल कमेटी की, जो दावा करती है साफ सफाई रखने का, जो काम करती है, हालांकि म्युनिसिपल कमेटी डोडा को बनाया भी इसी के लिए गया है कि ताकि वो जो है काम अपनी जो है अच्छे से करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अपना काम जो है अच्छे से नहीं करते हैं, और उसी का नतीजा ये है। द लोकल रिपोर्ट हमेशा से जो है ये कदम लेता है, ये कदम उठाता है कि चलिए हम जो है आपको किसी भी हादसे होने से पहले ही दिखाने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ पर जो है कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जब यहाँ पर जो है डेंगू फैलना शुरू हो जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है यहाँ से जो है क्लीन ड्राइव चलाया जाएंगे। और आप यहाँ पर देखिए,
सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां जो है पार्किंग पे लगी हुई होती है। हालांकि ये कोई पार्किंग एरिया भी नहीं है, और ये देखिए पूरी लहर में आपको नीचे से ऊपर तक जो है सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन गाड़ियों की वजह से भी शायद म्युनिसिपल कमेटी के वर्कर्स इसलिए यहां से सफाई नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि यहां पर जो है गाड़ियां लगी हुई हैं। अगर ये पार्किंग का एरिया होता तो ज़रूर वहां आगे जो है आपको सफ़ेद कलर की जो है पट्टी देखने को मिलती नीचे तक, फिर ये माना जाता कि नहीं ये पार्किंग एरिया है। लेकिन चलिए, लोग जो हैं वो भी अपनी मनमानी से बाज नहीं आते हैं, तो डिपार्टमेंट्स को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए अपनी बात को जो है ख़त्म करने का। यहाँ पर अगर आप साइडों में गेट देखेंगे तो गेटों पे लिखा हुआ है कि नो पार्किंग, लेकिन क्या करें, समस्या पार्किंग की डिस्ट्रिक्ट डोडा में थी और अभी भी है, और शायद से जिस हिसाब का निज़ाम चल रहा है तो आगे भी होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये गंदगी देखने से क्या लगता है आप सभी को कि ये जो है म्युनिसिपल कमेटी डोडा का काम नहीं बनता था कि वो इस जगह को साफ करें यहाँ से। तो यहाँ के अगर इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो ये भी कह देते हैं कि नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे, हम बोलेंगे अगर तो हमारी रेडिया उठा दी जाएंगी। तो लेकिन इस जगह पे, इस चौराहे पे इस तरह की जो काम जो है साफ़ सफाई जो है म्युनिसिपल कमेटी को करना चाहिए। अगर सच में ही आपने ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया करना है तो उसके लिए आपको तह तक जाना पड़ेगा। यहाँ पर 3-4 दिन पहले जो है डस्टबिन यहाँ पर डाला गया है, लेकिन फिर भी आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो डस्टबिन का लोग मैक्सिमम यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पर। वो क्यों नहीं करते हैं, वो इसलिए यूज़ नहीं कर पाते कि यहाँ पर मुश्क ही इतनी है कि दूर से ही यहाँ पर फेंक के चले जाते होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि म्युनिसिपल कमेटी जो है हरकत में आएगी। यहाँ पर इतना गीला है ये पूरा बना हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर कोई लुक वगैरह डलवा दो, लेकिन कम से कम आप इतना सा कीजिए कि यहाँ पर मिट्टी वगैरह पूरे को डाल दी जाए, ताकि जो है ये मुश्क या ये जो बदबू यहाँ पर आ रही है ये कम हो जाए, और लोग जो है यहाँ से जो भी गुजरता है वो राहत की सांस ले पाए, वो जो है इन रेडी वालों के सामने आके खड़े भी और इनसे सामान भी खरीदें और उन्हें कोई दिक्कत भी ना हो। लेकिन देखना ये है कि कितनी जल्दी जो है हरकत में आती है म्युनिसिपल कमेटी डोडा, तो यहाँ पर जो है साफ़ कर पाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है ये जो फड़ी वाले होते हैं ये यहीं पर बैठते हैं, इन्हीं जगहों पर बैठते हैं और इतनी मुश्क को है झेलते हैं। क्या करें, पापी पेट का सवाल है, अगर यहाँ बैठेंगे नहीं तो फिर रोज़गार आएगा नहीं, तो पैसा आएगा नहीं, तो शाम को खाएंगे क्या। तो राजकुमार को दीजिए इजाज़त और आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।